हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है आपका हर्निया। हर्निया क्या होता है, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये सारा का सारा आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। हर्निया अगर आप बुक्स को खोलकर देखेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप मेडिकल साइंस या फिर वेटनरी साइंस को देखेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। बट आज हम सिर्फ इसका कुछ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका हर्निया कवर करा देगा, आपको एक आइडिया दे देगा कि हर्निया कैसे होता है, क्या होता है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सो हर्निया क्या होता है? सबसे पहले हर्निया की डेफिनेशन क्या होती है। हर्निया कोई भी मास होता है, मास मतलब कोई भी चीज, कोई भी कहिए कि गुच्छा होता है, जो कि बॉडी से निकलता है, जो कि बॉडी से निकलता है थ्रू अ डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब किसी छेद से निकलता है, ठीक है, जो कि नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर जो आपको गौर करना है, जो कि नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि अगर कोई चीज नेचुरली किसी डिफेक्ट से निकलती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, प्रोलैप्स बोलते हैं। जैसे कि यूट्रस अगर निकलता है वजाइना से तो उसको क्या बोलते हैं आप, यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, तो हर्निया एंड प्रोलैप्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हर्निया क्या होगा, हमेशा आपका एक डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब किसी चीज की कमी से निकलेगा। इसमें कमी क्या होती है, मतलब डिफेक्ट कहां पर आता है, कमजोरी कहां पर होती है। आपकी हर्निया के अंदर जो कमजोरी होती है वो होती है एब्डोमिनल वॉल के अंदर। किसके अंदर होती है, एब्डोमिनल वॉल के अंदर। एब्डोमिनल वॉल क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल जो है आपका, पहले आपको पता होना चाहिए एब्डोमिन क्या होता है। जो आपका थॉरेक्स होता है, जिसके अंदर आपके लंग्स होते हैं, उसके नीचे वाला पार्ट क्या होता है, एब्डोमिन होता है। ठीक है, एब्डोमिन के अंदर क्या क्या होता है, आपका इंटेस्टाइन होती है, स्टमक होता है, लिवर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, अगर आप नीचे जाएंगे पेल्विस के अंदर, तो बहुत सारी चीजें होती हैं आपके एब्डोमिन के अंदर। तो इसको क्या बोला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी। और इस कैविटी को जो कवर करके रखती है, इसको जो घेर के रखती है, उसको क्या बोला जाता है, एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो एब्डोमिनल वॉल जो है आपका, ये आगे से हो गई, नीचे क्या होता है आपका पेल्विस होता है, ऊपर क्या होता है आपका डायफ्राम होता है। सेम चीज अगर इंसान को आप लंबा कर दीजिए तो कैटल्स के लिए आ जाएगी, एनिमल्स के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या रखे हैं, आपके ऑर्गन्स रखे हैं। और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर की तरफ क्या होगा, डायफ्राम होगा, नीचे की तरफ पेल्विस होगा, और आगे की तरफ क्या होगा, एब्डोमिनल वॉल होगी। तो कहीं भी अगर डिफेक्ट आता है, एब्डोमिनल वॉल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये स्किन का मतलब नहीं है, अगर कहीं भी डिफेक्ट आएगा तो वो हर्निया होगा। मतलब अगर डायफ्राम के अंदर डिफेक्ट आ गया और चीजें उस चीज से निकलकर बाहर की तरफ चली गई, या फिर मतलब डायफ्राम को पास करके चली गई, तो उसको क्या बोला जाएगा, डायफ्रामेटिक हर्निया। अगर एब्डोमिनल वॉल को पियर्स करके चीजें निकलती हैं, एब्डोमिन के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, एब्डोमिनल हर्निया, या फिर आप बोलते हैं इसको वेंट्रल हर्निया, फिमोरल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, बहुत टाइप के हर्निया होते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज यूट्रस अगर प्रोलैप्स हो जाती है तो उसको आप हर्निया नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो है आपका नेचुरल ओरिफाइस, मतलब नेचुरल छेद से जो चीजें निकलती हैं। सो दिस इज योर हर्निया का डेफिनेशन, हर्निया का बेसिक आइडिया। अब आपको मैं समझाता हूं कि हर्निया में हो क्या रहा है बेसिकली। तो इसके लिए मैं एक पेपर का यूज करूंगा। मान लीजिए कि ये एब्डोमिनल वॉल है, ये पेपर क्या, एब्डोमिनल वॉल है, जिसके अंदर क्या भरे हैं, आपके ऑर्गन्स भरे हैं। ऑर्गन्स मतलब आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, ब्लैडर हो गया, ये सब इसके अंदर भरे हैं। ठीक है, अब मैंने इसको खोल दिया, एंड अब इसके अंदर क्या हम क्रिएट करेंगे, डिफेक्ट। क्योंकि हर्निया के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपकी डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब कोई छेद, कोई वीकनेस, कोई कमी आ जाना। ठीक है, तो ये आपका एब्डोमिनल वॉल थी, जिसके अंदर मैंने एक डिफेक्ट क्रिएट कर दिया। ये हो गया आपका डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट हो गया आपका क्या, हर्निया का। अब ये जो डिफेक्ट है, इसके थ्रू जो है चीजें बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। इसके थ्रू क्या होगा, चीजें बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। और क्या चीजें बाहर निकलेंगी, जो उसके अंदर थी। इसके अंदर क्या था, इंटेस्टाइन था, आपका जो था ब्लैडर था, लिवर था, बहुत सारी चीज थी। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या होंगी, चीजें बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इसको क्या बोला जाता है, डिफेक्ट बोला जाता है। ये हो गया आपका डिफेक्ट, ये जो ब्लैक लाइन यहां पर खत्म हो रही है, ये होता है आपका हर्निया का डिफेक्ट। अब यहां से जो है चीजें बाहर निकलकर आएंगी, मतलब यहां से जो है चीजें बाहर निकलकर आ रही है। तो जितना भी जो है आपका ये बाहर निकलकर आता है, इसको बोला जाता है हर्निया का सैक। अब हम हर्निया के पार्ट डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है, एंड हर्निया के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सो दिस इज योर हर्निया का सैक, इसको बोला जाता है हर्निया का सैक। सैक मतलब होता है थैला, एक थैला, या फिर एक कहिए आपकी गुब्बारे की तरह कोई चीज बाहर निकल कर आ गई है, तो इसको बोला जाता है हर्निया का सैक। अब आपको दिख रहा होगा कि सैक के अंदर जो है कंटेंट आ गए हैं, हर्निया के क्या आ गए, कंटेंट आ गए हैं, जो कि पहले इंटेस्टाइन वगैरह जो कि पहले अंदर थे, पेट के अंदर थे, एब्डोमिन के अंदर थे, लेकिन अब वो चीजें क्या हो गया, बाहर निकल कर आ गई हैं। मतलब ये चीजें सारी की सारी क्या हो गई हैं, बाहर निकल कर आ गई हैं। तो इनको बोला जाता है कंटेंट्स ऑफ सैक, या फिर कंटेंट्स ऑफ हर्निया। कंटेंट्स मतलब क्या क्या चीजें जो है हर्निया के अंदर है, हर्निया के सैक के अंदर क्या क्या चीजें आ चुकी हैं, तो इसको बोला जाता है कंटेंट ऑफ हर्निया। सैक हो गया, कंटेंट हो गया।
अब एक पार्ट होता है इसका नेक, नेक मतलब गर्दन। अब आप खुद सोचिए और बताइए कि इसकी नेक कहां पर होगी, इसकी नेक यहां पर होगी। तो हर्निया का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो सबसे ज्यादा जहां पर प्रेशर होता है, उसको बोला जाता है हमेशा नेक ऑफ हर्निया, नेक ऑफ हर्निया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, नेक ऑफ हर्निया हो गया, जहां पर जो है डिफेक्ट जो है उसको दबा के रखता है। उसके बाद क्या होता है, सैक निकलता है, और सैक के अंदर क्या होता है, चीजें भरी रहती हैं। ये आपको आइडिया हो गया कि हर्निया कैसे, आप एनाटॉमिकली हर्निया को डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज हर्निया एंड हर्निया आपको कैसा दिखेगा। अब सवाल यह है कि कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हर्निया के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, तो कंटेंट्स जो है आपके बेसिकली ब्लैडर हो सकता है कई बारी, और मोस्ट कॉमनली जो होता है आपका क्या होता है, इंटेस्टाइन होती है, मतलब बॉवेल होती है, बॉवेल को इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो बॉवेल जो है मोस्ट कॉमन कंटेंट होता है जो कि हर्निया के अंदर स्लाइड कर जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, जो मीजेंट्री होती है, मीजेंट्री क्या होता है, आपका टिश्यू होता है जो कि बॉवेल को जो है पकड़ के रखता है, वो भी हर्निया का कंटेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब आपको पता होगा कि एब्डोमिनल वॉल के अंदर आप जब जैसे जैसे जाते हैं, सबसे पहले स्किन आती है, उसके बाद आपकी जो है सुपरफिशियल फेशिया, उससे पहले सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है, फिर सुपरफिशियल फेशिया आती है, डीप फेशिया आती है, और फिर आपका क्या आता है, पेरिटोनियम आता है। मतलब बेसिकली डीप फेशिया नहीं होती है, सॉरी, पेरिटोनियम होता है एब्डोमिन के अंदर, तो पेरिटोनियम आता है। तो पेरिटोनियम क्या करता है, आपका कवर करके रखता है सारे ऑर्गन्स को। अब अगर ऑर्गन बाहर आ रहा है निकलकर, तो इसके साथ क्या आएगा, आपका पेरिटोनियम भी बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पेरिटोनियम बना देता हूँ। तो अगर ये ब्लैडर है तो इसके चारों तरफ क्या रहेगा, एक कवरिंग रहेगा, जिसको बोला जाता है पेरिटोनियम या फिर पेरिटोनियल सैक। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आप हर्निया को रिपेयर करते हैं तो आपको जो है इस डिफेक्ट को भी रिपेयर करना होता है, इस पेरिटोनियल कैविटी को भी अंदर की तरफ पुश करना होता है, एंड उसको भी आपको क्या करना पड़ता है, सूचर करना पड़ता है, उसको भी आपको रिपेयर करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफेक्ट कहां कहां पर आ रहा है, जिस वजह से आप हर्निया को रिड्यूस कर सकते हैं, हर्निया को आप ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज द पेरिटोनियल कैविटी, जिसके अंदर जो आपका बॉबल आ चुका है, एंड ये हो गया आपका हर्नियल सैक। अब यहां पर मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं हर्निया के। हर्निया का जो डिवीजन है वो बहुत अलग अलग टाइप पे हो सकता है, जैसे कि कई बार जो है हर्निया डायफ्रमेटिक हर्निया, वेंट्रल हर्निया, ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप बोलते हैं इसको ग्रोइन का हर्निया, जिसके अंदर इंग्वाइनल और फिमोरल हर्निया आ जाते हैं। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन मैंने आज जो आपको क्लिनिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया है यहाँ पर, जो कि आपको हेल्प करेगा क्लिनिकली आपको सॉल्व करने में कि हर्निया कैसा है, तो क्या केस होगा, हर्निया को कैसे ट्रीट किया जाएगा, एंड क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। सो दिस इज बेसिक सा क्लासिफिकेशन। अब हम एक क्लासिफिकेशन को समझते हैं। सबसे आसान एंड सबसे इजिएस्ट हर्निया जो होता है अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया। अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन एब्सेंट है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है हर्निया की, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। तो उससे पहले हम कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, आप खुद बताइए, अगर कोई चीज यहां से बाहर निकलकर आ गई तो क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि नेक जो होता है हर्निया का सबसे छोटा पार्ट होता है, मतलब अगर यहां पर कोई चीज फंस गई तो वो यहां पर क्या होगा, नेक उसको दबाने लगेगा। तो यहां पर क्या होंगी, चीजें दबने लगेंगी, यहां पर चीजें दबने लगेंगी, जिस वजह से यहां पर जो है कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। अगर ये आपका इंटेस्टाइन है और यहां से खाना आता था और यहां से घूमकर जाता था, लेकिन अब यहां पर नेक क्या हो गई, दब गई। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां पर कंटिन्यूटी खत्म हो गई, यहां पर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया, मतलब खाना आगे नहीं जा पाएगा, मतलब जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। सो यहां पर एक टाइप का मैंने हर्निया लिखा है, वो है आपका ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, जिसके अंदर क्या होगा, खाना आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपका जो हर्निया है, जिसके अंदर आपकी बॉवेल है, जिसके अंदर इंटेस्टाइन है, वो कंप्रेस हो रही है एट द लेवल ऑफ नेक। सो नेक क्या करेगी, उसको कंप्रेस करेगी एंड ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी। दूसरी क्या चीज हो सकती है, दूसरी चीज ये हो सकती है, आपको पता होगा कि हर चीज बॉडी के अंदर सप्लाइड होती है बाई ब्लड, तभी हर चीज जिंदा है। तो सेम गोज विद योर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को भी क्या मिलती है, ब्लड वेसल्स मिलती हैं, जो कि मीजेंट्री के थ्रू आती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था मीजेंट्री, तो मीजेंट्री क्या करता है, इसको ब्लड वेसल सप्लाई करता है। अब अगर आपका इंटेस्टाइन यहां पर भिज रहा है, यहां पर अगर दब रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड वेसल्स होंगी, जो यहां तक खून लाती हैं, वो भी क्या होंगी, दबने लगेंगी, वो भी स्क्वीज हो जाएंगी, वो भी भिज जाएंगी। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, ब्लड जो है आना स्टॉप हो जाएगा, मतलब ब्लड नहीं आ पाएगा। सो दिस इज योर फंडा। अगर यहां पर ब्लड नहीं आएगा तो यहां का टिश्यू क्या करेगा, प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, मतलब प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाएगा, थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो जाएगी। इसको बोला जाता है टिश्यू नेक्रोसिस। अगर आपका हर्निया का कंटेंट नेक्रोसिस हो जाता है, मतलब स्ट्रैंगुलेटेड हो जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है स्ट्रैंगुलेशन,
मतलब अगर ब्लड फ्लो को रोक दिया जाता है उस कंडीशन को बोला जाता है स्ट्रैंगुलेशन। सो दिस इज योर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। ओके, सो हमने दो हर्निया जल्दी से अभी कवर कर ली है, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया एंड स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। इन ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया सिर्फ और सिर्फ आपका जो खाना है वो आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि आपका बॉवेल जो आपका इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो चुका है। स्ट्रैंगुलेटेड के अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्टेड भी होता है क्योंकि ये भी कंप्रेस हो जाती है इंटेस्टाइन और आपका ब्लड वेसल भी जो है कंप्रेस हो जाती है, भिज जाती है, जिस वजह से जो है टिश्यू की डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है। इसका एक कॉम्प्लिकेशन बता देता हूं, अगर यहां पर टिश्यू की डेथ होने लगेगी, नेक्रोसिस होने लगेगा तो क्या होता है, कई बार बॉबल जो है फट जाती है, बॉबल जो फट जाती है और यहां पर जो कुछ खाना वाना होगा वो सारा का सारा जो है इस हर्नियल सैक के अंदर क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, जिस वजह से जो यहां पर इंफेक्शन क्रिएट हो जाता है। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। एंड जिस वजह से जब भी स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया का केस होगा उसको आपको जितना जल्दी हो सकता है आपको ट्रीट करना है क्योंकि इट कैन लीड टू टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू एक बार अगर डेथ हो गई टिश्यू की तो उसको आपको काट के निकालना पड़ेगा, मतलब आप इतना इंटेस्टाइन को खो देंगे, ये इंटेस्टाइन आपको काट के निकालनी पड़ेगी एंड इन्फेक्शन के चांसेस रहे वो अलग। सो दिस इज योर ऑब्स्ट्रक्टेड एंड स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। नाउ व्हाट इज रिक्टर हर्निया एंड व्हाट इज मेडल हर्निया। सो रिक्टर हर्निया के अंदर क्या होता है, आपका जो पूरा का पूरा बॉवेल जो है अंदर की तरफ नहीं आता है, तो क्या आता है, मान लीजिए ये डिफेक्ट है, ठीक है, और ये आपका क्या है इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन जा रही थी तो इसका कुछ पार्ट जो है हर्निएट होता है, मतलब पूरी की पूरी इंटेस्टाइन हर्निएट नहीं होती है, इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट, मतलब आप देख रहे होंगे कि पूरी इंटेस्टाइन का जो है एक साइड सिर्फ एक तरफ से क्या हुआ है हर्निएट हुआ है, किसके अंदर, डिफेक्ट के अंदर, यहां पर आपका डिफेक्ट था। तो अब आप खुद सोच के बताइए कि इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये नॉर्मल हर्निया होता है जिसको अनकॉम्प्लिकेटेड या फिर स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्टेड पढ़ रहे हैं तो इससे अलग होता है आपका क्या रिक्टर हर्निया, क्योंकि रिक्टर हर्निया के अंदर जो आपका जो है कुछ पार्ट जो होता है सिर्फ वही क्या करता है हर्निएट करता है, वही क्या करता है डिफेक्ट के थ्रू जाता है। तो क्या होगा कि जो पार्ट चला गया वो क्या होगा, वो दबने लगेगा, ये डिफेक्ट इसको दबाने लगेगा एंड ये वाला पार्ट क्या होने लगेगा, नेक्रोसाइज होने लगेगा, नेक्रोसिस वहां पर होने लगेगा, जिस वजह से यहां पर चांसेस है कि फट जाएगा, परफोरेशन क्रिएट हो जाएगी, किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो रिक्टर हर्निया का आपको सिर्फ पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि रिक्टर हर्निया क्या है, रिक्टर हर्निया बेसिकली आपका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जो होता है बॉबल का वो जाता है, पूरा का पूरा बॉबल नहीं जाता है। एंड इसका क्या क्लिनिकल इंप्लीकेशन है, ये होता है कि ये कई बार जो पता नहीं चल पाता कि हर्निया है या नहीं है, पेशेंट बोलेगा यार मेरे को दर्द हो रहा है, पेन होगा लेकिन पता नहीं चलेगा डॉक्टर को कि यहाँ पर हर्निया है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा पार्ट जो आपको बाहर की तरफ दिखता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको जो है सैक दिखता है, बल्ज दिखता है, मांस दिखता है कि यार यहाँ पर जो है मांस निकल कर आ गया है। सो दिस इज योर रिक्टर हर्निया। अब मेडल हर्निया जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि मेडल हर्निया के अंदर जो इंटेस्टाइन दो बार क्या करती है, हर्निएट हो जाती है। अब समझिए क्या होता है, ये हो गया आपका इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये हो गया आपका डिफेक्ट, ठीक है, और ये हो गया आपका हर्नियल सैक। अब यहां पर क्या हो रहा था, इंटेस्टाइन एक बार जाकर वापस आ रही थी, अब यहां पर क्या हुआ, इंटेस्टाइन एक बार गई फिर वापस गई फिर वापस आई, मतलब यहां पर दो बार क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन जा रही है और आ रही है। तो क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो ये होती है कि इसके अंदर भी क्या देखा जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रैंगुलेशन बहुत कॉमनली देखा जाता है, लेकिन यहां पर जो आपका नेक्रोटाइजिंग एरिया यहां पर होता था, मतलब यहां का टिश्यू डेड हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो अंदर वाला जो टिश्यू होता है वो डेड हो जाता है क्योंकि यहां पर जो है बहुत सारी चीज एक साथ आती है और उनको दबाया जाता है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये नेक्रोटाइज हो जाता है, यहां पर जो है परफोरेशंस क्रिएट हो जाती है एंड सारा का सारा जो कंटेंट होता है इंटेस्टाइन का, जैसे कि जो भी खाना होगा, जो भी फीकल मैटर होगा, वो क्या करेगा, अंदर की तरफ पेरिटोनियम के अंदर लीक कर जाएगा, जिस वजह से चांसेस होते हैं कि इंट्रा पेरिटोनियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर मेडल हर्निया। सो ये हर्निया दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंट था ये दो। अब हम आते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड एंड रिड्यूसिबल के ऊपर। अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया क्या होगा, जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रैंगुलेशन नहीं होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसको अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया बोल दिया। नेक्स्ट थिंग इज आपका रिड्यूसिबल हर्निया। अब ये जो पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिबल एंड नॉन रिड्यूसिबल। जब भी कोई हर्निया का केस होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको देखेंगे कि कितना बड़ा मास है, कहां से निकला है, एंड उसके बाद आप उसको जो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, हर्निया को आप वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप प्रोलैप्स के अंदर करते हैं, जब भी यूट्राइन प्रोलैप्स का केस आता है तो आप यूट्रस को अंदर की तरफ पुश करते हैं, उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको सेम चीज करनी होती है हर्निया के साथ, आपको जो हर्निया के मास को पकड़ना होता है हाथ में एंड उसको पुश करना होता है उस डिफेक्ट के थ्रू,
आपको पुश करना होता है इस डिफेक्ट के थ्रू। सो आप बेसिकली चेक करते हैं कि ये हर्निया वापस जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर हर्निया वापस चला गया तो इसको बोलता जाता है रिड्यूस, मतलब ये मास कम हो गया। रिड्यूस मतलब कम हो गया, ये मास जो है कम हो गया, एंडर की तरफ चला गया, इसको बोला जाएगा रिड्यूसिबल हर्निया। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया। कैसे होगा अब मैं आपको बताता हूं। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब दूसरा सिनेरियो देते हैं जिसके अंदर आप हर्निया को पुश कर रहे हैं, आप हर्निया को रिड्यूस कर रहे हैं और हर्निया जो है रिड्यूस नहीं हो रहा और जो है बहुत ज्यादा पेन हो रहा है पेशेंट को। अब हर्निया अगर रिड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जो है ऑब्स्ट्रक्टेड होगा या तो, या फिर स्ट्रैंगुलेटेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर्निया वापस इसलिए नहीं जाएगा, या तो यहां पर जो है नेक बहुत ज्यादा इसको दबा के रखी है, या फिर यहां पर बहुत ज्यादा जो है मास बढ़ चुका है, यहां पर जो है बहुत ज्यादा क्या हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है, जिस वजह से ये मास वापस नहीं जा रहा है। तो जब भी आपका इररिड्यूसिबल हर्निया होगा, मतलब जब भी हर्निया रिड्यूस नहीं होगा, तो आपको देखना है कि या तो हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टेड होगा या फिर क्या हो सकता है, स्ट्रैंगुलेटेड हो सकता है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिबल एंड नॉन रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल हर्निया को तो अच्छी बात है, वो वापस जा रहा है आराम से, इसका मतलब ये चीज एब्सेंट है, स्ट्रैंगुलेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। अगर रिड्यूस नहीं होता, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है वहां पर हो, एंड आपको बहुत जल्दी उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज टाइप्स ऑफ हर्निया एंड दिस इज हर्निया। अब सवाल है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, लाइक व्हाट इज द ट्रीटमेंट। सो हर्निया का कोई दवाई से ट्रीटमेंट नहीं होता, आप उसको पेन मेडिकेशन दे सकते हैं पेशेंट को, अगर पेन होता है आप जो इसका मेन जो आपका मैनेजमेंट होता है वो होता है सर्जरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि हर्निया किस टाइप का है, हर्निया रिड्यूसिबल है नहीं है, स्ट्रैंगुलेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको एनेस्थीसिया देकर आप सर्जरी उसकी करते हैं हर्निया की, एंड हर्निया को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सो आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस की बात है, सर्जरी इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। ठीक है, तो आप हर्निया को रिड्यूस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप जो है इस मतलब स्किन को सबसे पहले काटेंगे। ठीक है, इसके बाद स्किन होगी, ठीक है, ये तो डिफेक्ट है, स्किन होगी जिसके अंदर ये हर्नियल सैक रखा होगा, आप स्किन पे इंसिजन मारेंगे, उसके बाद आप इस लेयर पे इंसिजन मारेंगे, और उसके बाद जो आपको ये कंटेंट्स दिखने लगेंगे। ठीक है, ये कंटेंट्स क्या लगेंगे, दिखने लगेंगे आपको। उसके बाद आप धीरे धीरे इन कंटेंट्स को क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, इन कंटेंट्स को बेसिकली पुश कर दिया आपने, और यहां पर क्या करा आपने, इस डिफेक्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद आपने जो फालतू का पार्ट था, जो आपका पेरिटोनियम जो था बाहर निकल कर आ गया था, उसको आपको काट के निकाल देना है। ठीक है, कई बार क्या होता है डॉक्टर्स उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन क्या होता है, अगर आप पेरिटोनियल सैक जो रह गया उसके अंदर इन्फेक्शन आप देख सकते हैं, जैसे कि सीरोमा मतलब पस वगैरह इकट्ठा हो जाता है जिसके अंदर, तो वो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं अगर आप हर्नियल सैक को रिड्यूस करते टाइम पेरिटोनियल कैविटी को ना काटें, मतलब जो फालतू का जो पेरिटोनियल कैविटी क्रिएट हो गया उसको आप नहीं काटते हैं। सो दिस इज बेसिकली आप डिफेक्ट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद आप सूचर लगा देंगे। सो दिस इज द अप्रोच विच इज नोन एज हर्नियोराफी, हर्नियोराफी बोला जाता है, जिसके अंदर आप डिफेक्ट को भी क्लोज करते हैं एंड आप जो है हर्निया को रिड्यूस कर देते हैं। एक होता है हर्नियोटॉमी, हर्नियोटॉमी के अंदर बेसिकली आप जो है चीजों को अंदर पुश कर देते हैं, यहां पर आप इंसिजन लगाते हैं, यहां पर सूचरिंग करते हैं, लेकिन यहां पर आप डिफेक्ट को क्लोज नहीं करते हैं। सो डिफेक्ट जैसे पहला था, डिफेक्ट अब वैसे ही रहेगा, तो होगा क्या, आपका हर्निया फिर से हो सकता है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक डिफेक्ट है जिसको आपने क्लोज नहीं किया, इसको बोला जाता है हर्नियोटॉमी, जिसके अंदर आप डिफेक्ट को क्लोज नहीं करते हैं। सो हर्नियोटॉमी इज बेसिकली जिसके अंदर डिफेक्ट खुला रहता है, एंड हर्नियोराफी इज बेसिकली जिसके अंदर आप डिफेक्ट को क्लोज करते हैं। आजकल जो नई अप्रोच है एंड बहुत ज्यादा रिलायबल है वो है होता है आपका हर्नियोप्लास्टी, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। हर्नियोप्लास्टी बेसिकली आपका एक तरीका है जिसके अंदर आप उस डिफेक्ट को और स्ट्रांग बना देते हैं, उस डिफेक्ट को क्या करते हैं, स्ट्रांग बना देते हैं। अभी हम लोग हर्नियोराफी में क्या करते थे, जो डिफेक्ट है उसको हम लोग पास लाकर क्या करते थे, टांके लगा देते थे, मतलब यहां पर हम इसको सूचर कर देते थे खींचकर, तो यहां पर एक टेंशन क्रिएट हो जाती थी, यहां पर एक तनाव आ जाता था, जिस वजह से चांसेस होते थे कि डिफेक्ट फिर से खुल जाएगा। लेकिन अब क्या करा सर्जन ने, जो है इस डिफेक्ट के बीच में क्या लगा दिया, एक मैश लगा दिया, एक जाली डाल दी, जिसको बोला जाता है मैश या फिर मैश रिपेयर। तो ये जाली क्या करती है, इस डिफेक्ट को कवर करके रखती है। सो इस कंडीशन को बोला जाता है, इस प्रोसीजर को बोला जाता है हर्नियोप्लास्टी, जिसके अंदर आप मैश इंटीग्रेट करते हैं सर्जरी के साथ साथ। तो आप डिफेक्ट को डायरेक्टली क्लोज ना करके क्या करते हैं, उस पर मैश लगा देते हैं। इस प्रोसीजर को बोला जाता है लिचिनस्टीन टेंशन फ्री हर्नियोप्लास्टी। जो मेन चीज है इसमें आपको ध्यान रखना है, टेंशन फ्री, क्योंकि आप ये प्रोसीजर इसलिए करते हैं जिस वजह से टेंशन आप ना क्रिएट करें, आप इस डिफेक्ट को इतना खुला छोड़ देते हैं, इसके पीछे आप क्या लगा देते हैं, मैश लगा देते हैं। कई बार डिफेक्ट के आगे भी मैश लगाई जाती है, एंड मैश लगाकर आप क्या करते हैं, यहां पर उसको स्टेपलर मार देते हैं या फिर आप उसमें सूचर मार देते हैं, जो भी आप करेंगे। ठीक है, तो स्टेपलर मार देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, एब्डोमिनल वॉल से अटैच कर देते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए डिफेक्ट था
और ये आपने सारे के सारे कंटेंट जो है अंदर की तरफ पुश कर दिए। अब यहां पर क्या आपने क्या करा, मैश लगा दी यहां पर, ये आपकी क्या है मैश, एंड यहां पर आपने स्टेपलर मार दिए। अब ये पूरी तरह से जो है डिफेक्ट कवर हो गया है, ठीक है। तो दिस इज योर हर्नियोप्लास्टी। अब क्या होता है, धीरे धीरे क्या करता है, फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं आपके कोलेजन वगैरह, वो इस मैश के चारों तरफ क्या होंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे एंड इस डिफेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बना देंगे। सो दिस इज वाई वी पुट मैश, ठीक है। तो मैश लगाने का ये फायदा होता है कि मैश जो है उस टेंशन को कम करती है एंड नेचुरली कोलेजन भी डिपॉजिट हो जाता है कुछ टाइम बाद, जिस वजह से डिफेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो दिस इज योर हर्नियोप्लास्टी। तो ये हो गया आपका हर्नियोप्लास्टी। अब मैश, मैश क्या होती है, मैश बेसिकली एक जाली होती है, ठीक है, जो कि आपका सिंथेटिक मैश हो सकती है या फिर आपका बायोलॉजिकल मैश हो सकती है। सिंथेटिक मैश बेसिकली जो आपका जो होता है आपका पीटीएफई करके होती है और अलग अलग मैश आती हैं, एंड बायोलॉजिकल मैश जैसे कि आपकी ग्लाइकोपाइरोलेट वगैरह की होती हैं, सॉरी ग्लाइकोलिक एसिड की होती हैं, एंड बायोलॉजिकल जो मैश होती हैं आपकी उसके अंदर कुछ मैशेज होती हैं जैसे कि आपका पोर्साइन का जो टिश्यू होता है, मतलब जो पिक का जो टिश्यू होता है उसका जो पेरिकार्डियम होता है, मतलब उसको यूज किया जाता है बेसिकली, एंड उसका फायदा क्या होता है, वो बहुत जल्दी जो है डिस्ट्रक्ट हो जाती है, बॉडी उसको खत्म कर देती है एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोलेजन बचता है, ठीक है। मतलब यहाँ से मैश गायब हो गई और यहाँ पर जो कोलेजन बचा था वो रह जाता है। सो अलग अलग टाइप की मैश आती है एंड अलग अलग टाइप का जो है आपको यूज होता है, आप उस हिसाब से इसको यूज करते हैं। तो जो हमने अभी प्रोसीजर बताए थे वो थे बेसिकली ओपन हर्नियल रिपेयर, जिसके अंदर आप बाहर से जो है हर्निया को जो है रिपेयर करते हैं इंसीजन लगाकर। जो नई अप्रोच है उसके अंदर आप लैप्रोस्कोपिकली जो है चीजें रिपेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ तीन छेद करते हैं एब्डोमिन के अंदर, एक छेद से जो है आपका जो कैमरा जाता है और दो से आपके इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं एंड आप जो है इसको अंदर से रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली लैप्रोस्कोपिक रिपेयर, जिसके अंदर आप हर्निया को अंदर से खींचते हैं, अंदर से खींचते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, मतलब उसके बाद यहां पर आप मैश डालते हैं एंड उसको क्लोज कर देते हैं। सो इसको बोला जाता है लैप्रोस्कोपिक अप्रोच, एंड जो हमने अभी डिस्कस करा था वो था आपका ओपन अप्रोच, ठीक है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ योर हर्निया। एंड हर्निया के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हो सकता है हर्निया आपने रिपेयर कर दिया लेकिन थोड़े टाइम बाद वो फिर से क्या हो गया, वापस आ गया। इसको बोला जाता है रिकरेंस, मतलब दोबारा से हर्निया आ जाना। इसके क्या रीजन हो सकते हैं, प्रॉपरली जो आपने डिफेक्ट बंद नहीं करा या फिर जो मैश थी वो हट गई अपनी जगह से, तो वो डिफेक्ट फिर से जैसा था वैसा क्रिएट हो गया। सो हो सकता है कि हर्निया दोबारा से क्या करे, रिकर कर सकता है, रिकरेंस हो सकता है उसका। सो दीज आर द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एंड चांसेस हैं कि इस मैश के ऊपर क्या हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, यहाँ पर क्या हो सकता है पस वगैरह इकट्ठा हो सकता है, तो वो जो आपकी इन्फेक्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होती हैं। और हर्निया, मतलब ये तो हमने डिस्कस कर लिया बुरा हर्निया, बट हर्निया जो है चांसेस मतलब कितने, किस में ज्यादा होते हैं हर्निया के चांसेस, हर्निया के चांसेस होते हैं लाइक ओबीज लोग जो होते हैं जिनमें मोटापा बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर हर्निया के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो होता है उनका एब्डोमिनल का जो प्रेशर होता है, जो टेंशन होती है बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से एब्डोमिन जो होती है वीक हो जाती है। एंड जो मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो हर्निया का रिस्क फैक्टर है वो है आपका स्मोकिंग। जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट एंड बीड़ी पीते हैं, क्या होता है स्मोकिंग क्या करती है, एब्डोमिनल मसल्स को वीक कर देती है, जिस वजह से हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमनली देखे जाते हैं जिनको सी सेक्शन दिया जाता है। तो सी सेक्शन जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप हर्निया सॉरी एक आप एब्डोमिनल के ऊपर क्या बनाते हैं, इंसिजन लगाते हैं। इंसिजन क्या करता है, एक जो है वीकनेस क्रिएट कर देता है एब्डोमिनल वॉल के ऊपर एंड चांसेस होते हैं कि वो वीकनेस जो है डिफेक्ट बन जाता है एंड हर्निया वहां से बाहर आ जाता है। तो दीज आर बेसिकली द रिस्क फैक्टर, बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, कई बार लोग इसको जेनेटिकल कॉज भी बताते हैं, लाइक अगर फैमिली में किसी को पहले हर्निया हुआ था तो चांसेस हैं कि उसको, उसके बेटे को हो सकता है, बेटी को हो सकता है, तो जेनेटिकल लिंक भी इसका देखा जाता है। सो देर आर मैनी रीजन फॉर दिस, एंड आज हमने जो है बेसिकली एक समरी, एक रिव्यू कर लिया हर्निया का, एंड आपको पता होना चाहिए हर्निया क्या होता है एंड इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।